से वृंदावन में गरुड़ क्रूज का दूसरा ट्रायल भी फेल हो गया है। दरअसल यमुना में कम पानी की वजह से बालू में ये क्रूज फंस गया। पानी के बीच नाव फंसने के बाद क्रूज से धुआं भी निकलने लगा तो दूसरा ट्रायल भी फेल हो गया। क्रूज में सवार लोगों में हड़कंप मच गया जैसे ही धुआं निकलता हुआ देखा। आनंद फानन में छोटी बोट का सहारा लेकर उन्हें किनारे तक लाया गया। बता दें कि यमुना नदी में एक क्रूज चलाए जाने का प्लान है जिससे यात्रियों को वृंदावन से गोकुल तक ले जाया जाएगा, लेकिन इसका ट्रायल एक बार फिर से कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि यमुना में अभी पानी भी कम है और साथ ही बालू भी है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो जरा इस क्रूज के पास देखिए, आपको नजर आएगा काला धुआं दिखाई दे रहा है, जिसके बाद जो यात्री उस पर सवार थे वो डर गए और फौरन उनको उतार करके छोटी बोट से किनारे तक पहुंचाया गया। अब खबर मथुरा से, वृंदावन में गरुड़ क्रूज का दूसरा ट्रायल भी फेल हो गया है। दरअसल यमुना में कम पानी की वजह से बालू में ये क्रूज फंस गया। पानी के बीच नाव फंसने के बाद क्रूज से धुआं भी निकलने लगा तो दूसरा ट्रायल भी फेल हो गया। क्रूज में सवार लोगों में हड़कंप मच गया जैसे ही धुआं निकलता हुआ देखा। आनंद फानन में छोटी बोट का सहारा लेकर उन्हें किनारे तक लाया गया। बता दें कि यमुना नदी में एक क्रूज चलाए जाने का प्लान है जिससे यात्रियों को वृंदावन से गोकुल तक ले जाया जाएगा, लेकिन इसका ट्रायल एक बार फिर से कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि यमुना में अभी पानी भी कम है और साथ ही बालू भी है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो जरा इस क्रूज के पास देखिए, आपको नजर आएगा काला धुआं दिखाई दे रहा है, जिसके बाद जो यात्री उस पर सवार थे वो डर गए और फौरन उनको उतार करके छोटी बोट से किनारे तक पहुंचाया गया।